पूर्वक स्वागत करते हैं। आयरलैंड के सारे भारतीय प्रवासियों के लिए आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच आज हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। अब भारतीय एवं आयरिश राष्ट्रगान का प्रारंभ होगा। कृपया आप सभी अपने जगहों पर खड़े रहें। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्सल गगन तरंगा, तब शुभ नामे गावे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगान का प्रारंभ होगा। अब जॉन स्कॉटिश स्कूल के प्रवीण छात्र आपके समक्ष संस्कृत श्लोक बोलेंगे जो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में तैयार किया है।
आपका बहुत। सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा मांगनी है। क्षमा इसलिए मांगनी है कि मुझे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए था। बहुत लोगों की शिकायत है कि हमें आने के लिए अंदर एडमिशन नहीं मिला, प्रवेश नहीं मिला। अच्छा होता मैं जरा ज्यादा समय लेकर के आया होता तो यहां बसे हुए भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में मिल पाता। लेकिन मैं इतना कहूंगा, ये शुभ शुरुआत है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, शायद बहुत कम ऐसे होंगे जिनको ये याद होगा कि कभी भारत के प्रधानमंत्री यहां आए थे। क्योंकि मुझे बताया गया कि करीब 60 साल के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री यहां आए हैं। वैसे दिल्ली से न्यूयॉर्क तो हर बार जाना पड़ता है और आकाश में तो यहीं से गुजरते हैं, तो आप लोगों के प्यार ने मुझे खींच लिया तो ऊपर से मैं नीचे आ गया। आज मेरी यहां के प्रधानमंत्री के साथ बड़ी विस्तार से बातें हुई और बहुत समय कम था, लेकिन मीटिंग इतनी बढ़िया रही, इतने विषयों पर चर्चा हुई, इतनी बातों पर सहमति का माहौल है। मैं समझता हूं कि आयरलैंड के साथ भारत के संबंध और अधिक गहरे होने चाहिए, अनेक विषयों के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। और 2016 में आयरलैंड अपनी आजादी की शताब्दी मना रहा है, आजादी के संघर्ष की शताब्दी मना रहा है। भारत भी उसी समय आजादी का संघर्ष कर रहा था और एक प्रकार से भारत भी आजादी की लड़ाई लड़ता था, आयरलैंड भी आजादी की लड़ाई लड़ता था। और उस अर्थ में ये हमारी सांझी विरासत है। तो हम सोच रहे हैं कि ये 2016 का आयरलैंड का आजादी का जो संग्राम है उसकी शताब्दी में भारत भी भागीदार बने, भारत भी आयरलैंड की आयरलैंड और भारत की जो विशेषताएं हैं, कुछ मूल्य बहुत किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे भारत में सत्य के लिए जीना मरना, ये सदियों से हम सुनते आए हैं। एक आदर्श के लिए, विचार के लिए बलि चढ़ जाना, खुद को कष्ट देते हुए जीवन को समाप्त कर देना, ये हम सदियों से सुनते आए हैं। लेकिन कहते हैं कि 1920 में आयरलैंड में हंगर स्ट्राइक हुआ और यहां के नागरिक ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। यानी वैल्यूज कितने हमारे मिलते जुलते होंगे इसका अंदाज आ सकता। मानवता से जुड़ी हुई इन बातों में अपनी एक ताकत है और हमारी कोशिश यही है उन्हीं चीजों को हम बल दें। अब आयरिश बच्चे संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे हैं, स्वागत गान गा रहे हैं और वे रटे रटाए शब्द बोल रहे थे ऐसा मुझे नहीं लगा,
किस शब्द में उनका क्या भाव था वो भी अभिव्यक्त हो रहा था, मतलब उन्होंने इस बात को इंटरनलाइज कर दिया था। उनके जो भी शिक्षक इस काम को करते होंगे मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन ये खुशी की बात है, आयरलैंड में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करते तो पता नहीं। सेक्युलरिज्म पर सके सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। लेकिन इन दिनों बदलाव आ रहा है। आप देखिए, योग, दुनिया उसको योगा कहती है, सारी दुनिया नाक पकड़ने लग गई। विश्व के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया। भारत का ये हजारों साल पुराना विज्ञान आज होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए एक बहुत बड़ी स्वीकार्य स्वीकृत पद्धति के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है। और पहले हमारी यहां कल्पना क्या थी, अगर इलनेस नहीं है तो आप स्वस्थ है। अब ये विचार भारतीय चिंतन का नहीं है। इलनेस नहीं मतलब स्वस्थ है, हमारी सोच नहीं है। हम उससे दो कदम आगे वेलनेस की चर्चा करते हैं। हमारी कल्पना वेलनेस की, और ये योगा उस वेलनेस से जुड़ा हुआ है। सिर्फ रोग से मुक्त है इसलिए आप स्वस्थ, ऐसा नहीं है। तो भारत की मूल बातें विश्व स्वीकार करने लगा है, लेकिन दुनिया तब स्वीकारती है जब भारत में दम हो। अगर भारत में दम नहीं हो तो दुनिया क्यों पूछेगी हमें। आज पूरे विश्व में भारत के विकास की चर्चा हो रही है। 21वीं सदी एशिया की सदी, ये सारी दुनिया ने मान लिया है। लेकिन 21वीं सदी एशिया की सदी, फिर धीरे धीरे देखते हैं तो उनको लगता है यार हो सकता है हिंदुस्तान की हो जाए। ये दुनिया मानने लगी। एक ब्रिक्स कंसेप्ट आया 1980s में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्रिक्स शब्द पॉपुलर होगा। लेकिन कुछ वर्ष पहले लोग चर्चा करते थे कि BRCS इनकी तो गाड़ी पटरी पर है, आई जो है वो लुढ़क गया है, ऐसी चर्चा थी। और लोग यहां तक कहते थे कि शायद आई इंडिया की जगह आई इंडोनेशिया ले लेगा, ये चर्चा थी। आज वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, सब कह रहे हैं कि ब्रिक्स में अगर कोई ताकतवर राजा है तो आई है। सारी दुनिया की रेटिंग एजेंसी कह रही है कि भारत आज दुनिया के बड़े देशों की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी है, सबसे तेज गति से पूरी दुनिया में। अगर ये सिलसिला और आगे बढ़ा, और ज्यादा नहीं
30 साल अगर हम इस ऊंचाई पर चलते रहे तो हिंदुस्तान में गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। नौजवान को रोजगार मिलेगा, लेकिन 30 साल तक इस गति को बनाए रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती हम पार कर पाएंगे, क्योंकि हम एक ऐसी ताकत के कालखंड में हैं जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की है, और वो है 65% जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 साल से कम उम्र की है। भारत नौजवान है, भारत नौजवानों का है, और भारत नौजवानों की ताकत पर बनने वाला है। ये जो सामर्थ्य मिला है ये नेक्स्ट 30 ईयर का सपना पूरा कर सकता है। देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, सभी क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने के लिए सफल प्रयास हो रहे हैं, और विश्व भर में फैले हुए भारतीय जन भी आज सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया के साथ भारत की बात करने लगे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। अब किसी भारतीय को सर झुकाने के दिन नहीं है, सीना तान करके खड़े रहने के दिन, और यही बड़ी ताकत होती है, यही बड़ी ताकत होती है। मैं आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका बहुत ही और इस कम समय में, क्योंकि मेरा कार्यक्रम बहुत कम समय में बना, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, और मुझे आपके एम्बेसडर कह रहे थे कि हम तो इतनी मारामारी चल रही है, हम किसको रोके किसको लाए, ज्यादा समय मिला होता तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी मैंने पहले कहा ऐसे एक शुभ शुरुआत है, ये रिश्ता और नाता जुड़ता रहेगा, और भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में अब 60 साल नहीं लगेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपने देखा हम तो पूछेंगे में। आज हम डिबेट करने वाले थे भारत और अमेरिका के संबंधों पर। प्रधानमंत्री मोदी का